नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मुंबई में आपकी कितनी सैलरी है, कितना खर्चा है, कितने एक्सपेंसेस है मतलब, एंड कितनी सेविंग्स हो पाती हैं। तो सैलरी तो मैंने आपको बताई है पहले भी, अपनी सैलरी स्लिप भी शो की है कि मैं एक MTS हूँ मुंबई इनकम टैक्स में, एंड 2019 बैच से मेरा सिलेक्शन हुआ है। SSC एग्जामिनेशन होता है MTS का, एंड यहाँ पे मेरी सैलरी है ऑलमोस्ट 29,000। अभी मेरा एक इंक्रीमेंट लगने के बाद हो गई है 28,960। स्टार्टिंग सैलरी थी मेरी 27,903 आफ्टर डिडक्शंस। ग्रोथ सैलरी थी 30,000 अप्रॉक्स, 30,000 प्लस थी। अभी मेरी ग्रोथ सैलरी है अप्रॉक्स 32,000, एंड जो कि अभी और बढ़ने वाली है जब आपका DA बढ़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सैलरीज तो आपकी बढ़ती रहती हैं एक बार स्टार्ट होने के बाद। तो ये तो बात होगी सैलरी, सैलरी कितनी मेरी अभी 28,960। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो एक्सपेंसेस आपके वेरी करते हैं, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं एक्सपेंसेस में जिसे आप काउंट करना चाहेंगे जब आप टोटल एक्सपेंसेस या टोटल आपके एक्सपेंडिचर जो खर्चा होगा उसे कैलकुलेट करने में। सबसे पहली बात आती है आपकी रहने की जगह की, आप रह कहाँ रहे हो, उसका रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने हैं, एंड पानी का बिल है या नहीं है, वाटर सप्लाई, या आपका वहाँ का बाकी अदर चार्जेस तो नहीं है मेंटेनेंस के। अब मैक्सिमम जो होते हैं, जो आपके हाउस ओनर होते हैं वो खुद भरते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपका रेंट में इंक्लूड रहता है। कुछ जगह क्या होता है कि आपका मेंटेनेंस चार्जेस भी डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है। मतलब रहने की जगह की बात आती है आपकी बात खाने खर्चे की, फूड एक्सपेंसेस की। तो फूड एक्सपेंसेस में भी आपका दो फैक्टर हो सकते हैं, एक आप खुद बनाएं, एक आप बाहर से खाएं, या मिक्सअप भी हो सकता है। तो वो खर्चा भी हमें कैलकुलेट करना होगा। देन बात आती है आपकी कपड़ों की, कि कपड़ों का खर्चा क्या रहेगा। तो कपड़ों का खर्चा आपका 6 महीने में आप एक बार खरीदते हो, ये नहीं कि आपको रोज रोज खरीदने होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। एंड बात आती है आपकी बाकी मिसलेनियस खर्चों की एंड हाउस होल्ड की। अब हाउस होल्ड में आप खुद बना दो तो किचन का खर्चा भी आएगा, एंड डेफिनेटली क्लीनिंग के जो आपके खर्चे होते हैं, कपड़े धोना एंड टॉयलेट क्लीनिंग, बाकी सोप वगैरह, वो खर्चे भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। एंड और बाकी मिसलेनियस खर्चे, कभी कभी आपको जैसे बीमार हो गए, कभी आपको खांसी जुकाम कुछ भी हो गया, तो वो खर्चे भी कैलकुलेट करके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रूम रेंट के बारे में। रूम रेंट भी आपका कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है मेनली। लोकेशन में आपके कई फैक्टर होते हैं कि पानी वहाँ कैसा है, वहाँ पे बारिश बारिश आने पे दिक्कत तो नहीं होती, फ्लोर कौन सा है आपका, एंड अदर फैक्टर भी रहते हैं जैसे मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं, एंड और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आप मुंबई में आओगे तो आपको पता चल जाएंगे। तो लोकेशन पे मेनली डिपेंड करता है आपका कि कहाँ पे आपका ये फ्लैट है, क्योंकि उसी में आपके बाकी पानी की सिचुएशन, फ्लडिंग की सिचुएशन, बाकी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो जैसे किसी भी लाइन के एंड पे जाओगे आप, तो वहाँ पे रहेगा आपका कम रेंट रहेगा बेसिकली। आप वेस्टर्न लाइन पे, सेंट्रल लाइन पे या हार्बर लाइन पे जाओगे तो वहाँ पे कम ही रेंट रहेगा। हार्बर लाइन के एंड में आपको पड़ता है पनवेल, पनवेल में आपको 8 से 10 हज़ार में 1 BHK मिल जाएगा ठीक ठाक। इधर मैं रहता हूँ बदलापुर में, ये लाइन जाती है खोपोली तक, बट मैं बदलापुर में रहता हूँ तो मुझे 2 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और मैं यहाँ पे इतनी दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं अकेला रहना प्रेफर करता हूँ, एंड मेरी फैमिली भी आती है कई बार, और मैं दूसरे की प्राइवेसी में कोई खलल नहीं देना चाहता जब भी मैं काम करूं या अपना कोई भी काम कर रहा हूं या यूट्यूब का काम कर रहा हूं, तो जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, साथी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मेरा रेंट पड़ता है 5,500 रुपये, 2 घंटे की ट्रैवलिंग है, 500 रुपये बिजली का बिल है। बिजली का बिल भी आपका वेरी करेगा, मैं इंडक्शन यूज़ करता हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं इंडक्शन यूज़ ना करूँ तो 300 करोड़ पड़ेगा, तो 5,500 + 500 6,000 के ही अराउंड पड़ जाता है मेरा रूम रेंट। एंड बाकी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको 15,000 के अराउंड भी रूम रेंट देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आप शेयरिंग में रह सकते हो। पहले मैं शेयरिंग में ही रहा था तो मुझे वो सूट नहीं हुआ, वहाँ पे मेरा रूम रेंट कम ही पड़ रहा था, 4,000 के अराउंड मेरा शेयरिंग पड़ रहा था। मैं रह रहा था उलवे में, ये हार्बर लाइन पे पड़ता है। जब आप यहाँ पे आओगे एक्चुअली तो आप समझ जाओगे। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो या तो आप शेयरिंग में रहो या आप इतना दूर रहो कि आप अफोर्ड कर सको, ठीक है। हाँ, अगर आपका सैलरी इतनी ज़्यादा है, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो या गवर्नमेंट जॉब में भी किसी अच्छी पोस्ट पे हो, ए ग्रेड ऑफिसर हो, तो आप डेफिनेटली किसी अच्छी जगह रहोगे और आप अपना रूम रेंट इजिली अफोर्ड कर पाओगे, चाहे वो 25-30 हज़ार भी हो। जैसे घाट कोपर वगैरह है, कई जगह ऐसी हैं
जो थोड़ा डिस्टेंस में कम पड़ती हैं एंड टाइम भी कम लगता है, जगह भी अच्छी है, लेकिन वहाँ रूम रेंट हाई है। और साउथ मुंबई मुंबई में जाओगे आप तो वहाँ पे और ज़्यादा रेंट होगा, फैसिलिटीज़ भी होंगी आपको डेफिनेटली, लेकिन साथ ही आपको पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है एंड लोकेशन मेरी अच्छी है, 2 घंटा टाइम लगा है, बट साथ ही मुझे सुकून भी है कि मैं अकेला रह रहा हूँ, फैमिली जब चाहे आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड मेरी जो सोसाइटी है वो एक अच्छी हाइट पे है, एक पहाड़ी टाइप एरिया में है, एंड यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं इवन। एंड मेरा जो रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है, 1 BHK में मैं रहता हूँ, एंड स्पेशियस है ये, इसमें 1 बाथरूम है कॉमन और 1 बेडरूम के साथ अटैच है, तो 2 बाथरूम्स हैं, ठीक है। 1 इंडियन स्टाइल है, एक आपका वेस्टर्न स्टाइल है, किचन है, बालकनीज है 3। एंड यहाँ पे बात करें हम अदर खर्चों की, तो रूम रेंट हो गया हमारा 5500 प्लस 500, 6000। अब मुझे ट्रैवलिंग में भी कॉस्ट पड़ती है, ट्रेन का पास बन जाता, लोकल ट्रेन है, 3 लाइन्स है आपकी, वेस्टर्न हार्बर एंड सेंट्रल, मैं सेंट्रल पे रहता हूँ, तो मुझे अप्रोक्स 300 के अराउंड पड़ जाता है पास मंथली, अगर मैं 3 महीने का बनाऊँ या 6 महीने का बनवाऊँ तो। आपका भी इतने का ही पड़ जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, आपका लोकेशन पर डिपेंड करेगा। साथ ही मेरा ऑटो से जाना पड़ता मुझे अपने लोकल स्टेशन पे, एंड वहाँ तक मुझे 15 रुपये एक साइड के ऑटो के पड़ते हैं, तो 30 रुपये ऑटो के ये हो गए, एंड मंथली मुझे 1000 मान के चलो आपका किराया वगैरह का लग जाएगा, ठीक है, तो 7000 ये हो गए। अब बात करते हैं आप खाने की, कितना खाने का खर्चा हो सकता है, खाने में आपका क्या क्या डिपेंड कर सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, आप या तो खाना बाहर खाओ डेली, वो आपके लिए हेल्दी भी नहीं रहेगा और डेफिनेटली कॉस्ट कुछ ना कुछ ज़्यादा पड़ेगी, खर्चा ज़्यादा ही रहेगा आपका, खुद बनाओगे तो खर्चा भी कम रहेगा। अब खाने में क्या क्या खर्चा आ सकता है, ओब्वियसली सबसे पहले गैस, ठीक है, ये रहेगा गैस या इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप यूज़ करो, तो 300 ग्राम वो पड़ सकती है आपकी, ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कितना कैसे यूज करते हो आप, ठीक है। आटा मान लो आप अकेले पर्सन हो तो कितना खा लोगे, 300 का आटा खा लोगे, ठीक है। एंड बाकी सब्जी कितनी होगी, 50 रुपये की रोज की मान लो आप, तो 1500 की सब्जी हो गई, 1500 300 1800। देन आपका हल्दी मिर्च नमक शुगर एंड ऑल दैट थिंग्स 500 की, वो एक महीने में काफ़ी होंगी शायद, वो ज़्यादा ही हो जाएंगे, 1800 और 500 2300। अब बात आती है आपकी, आप कभी कभी पनीर भी खा सकते हो, तो 200 300 का वो भी खर्चा हो ऐड कर लो महीने में, 2600। नॉन वेज हो तो उसका मुझे रेट नहीं पता, तो आप काउंट कर सकते हो 1000 रुपये का अराउंड शायद हो सकता है, आप जितना खाओगे डिपेंड कर लेगा, वो आप 500 1000 जो भी आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। मैं अपना बताऊँ तो मुझे 2600 के अराउंड इतना काफ़ी रहेगा, लेकिन मैं दूध वगैरह भी लेता हूँ एंड दही वगैरह भी, तो दही वगैरह का अपना दही का खर्चा 1000 से 500 1500, तो वो ऐड कर लो तो 4100 रुपये ये हो गया है। एंड कभी कभार बाहर मन किया थोड़ा बहुत खाने का, तो 5000 तक मैक्सिमम आप खुद घर बना के एंड बाहर भी खा के अच्छे से खा सकते हो, ठीक है। अब मेरा ऑफिस की टाइमिंग कई बार ऐसी होती है कि मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, तो भी मेरा खर्चा मैक्सिमम खाने का मिला के 5000 आ जाता है सभी चीज़ें मिला के। अब हाउस होल्ड की बात आती है, हाउस होल्ड में आपका डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, सोप्स होते हैं, आपका टॉयलेट क्लीनिंग होते हैं, डिश वॉश बार होते हैं एंड और बाकी खर्चे छोटा मोटा कुछ कुछ, तो सभी मिला के आपका महीने का 200 का डिटर्जेंट साबुन वगैरह मिला के शायद 400 500, तो 500 ही मान लो आप, ठीक है। 7000 मेरा रेंट प्लस फेयर हुआ, खाने का हुआ 5000 एंड ये बाकी चीज़ें 500 ये मान लो, डिश वॉश बार और बाकी चीज़ें, तो 500 ये हुआ, और 1500 तक मिसलेनियस आप खर्चा मान लो कि पॉसिबल है, जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया आपका, रिचार्ज हो गया, एंड कभी कभार आपका दवाई वगैरह का, अगर भगवान ना करे आपको खांसी बुखार कुछ भी हो गया तो वो खर्चा हो गया। हाँ, अगर आप इंश्योरेंस आपका या गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली आपका वो खर्चा क्लेम कर पाओगे आप, ठीक है। तो 13000 तक मैं कह सकता हूँ कि आपका लग सकता है खर्चा, इससे कम ही रहेगा, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो वो रेंट कम पड़ जाएगा, ठीक है। 10 से 15 हज़ार मैक्सिमम आपका खर्चा होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब मैं अपनी सेविंग्स बताता हूँ कि मेरी सेविंग्स कितनी हो पाती हैं सभी खर्चे कैलकुलेट करके, तो सभी खर्चे कैलकुलेट करके मेरा 13000 के अराउंड पड़ जाता है। कभी कभी मैं घर जाता हूँ तो वो टिकट्स के लगेंगे ओब्वियसली, तो 13 14 15 हज़ार तक पड़ जाता है खर्चा, कभी कभी 12 13 भी हो सकता है, कभी कभी 14 15 भी हो सकता है,
तो सेविंग्स रहती मेरी 12 से 15 हजार, मान लो खर्चा हुआ मेरा 15 हजार, ठीक है, तो सेविंग्स हो गई 13 हजार के राउंड, ठीक है, खर्चा हुआ मेरा किसी महीने कुछ अलग से खर्चा आ गया, घर पे खर्चा आ गया या फीस भरनी हुई किसी चीज़ की, तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो इजीली आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, एक बेसिक 1800 ग्रेड पे की जॉब में हो, तो आपकी सैलरी कितनी हुई अभी, जैसे मेरी सैलरी है लगभग 28 हजार, तो वो आपकी स्टार्टिंग होगी होगी जब तक आप ज्वाइन करने वाले हो, अगर आप नए ज्वाइन करने वाले हो तो डीए वगैरह बढ़ चुके होंगे, तो 28 हजार प्लस होगी, तो आप इजीली 15 हजार तक बचा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप पहले हाउस सेटअप कर रहे हो, अपना घर सेटअप कर रहे हो, जैसे कि कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं, जैसे मैंने इंडक्शन लिया, बाकी चीज़ें ली, मतलब बर्तन लिए, वो भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको धीरे धीरे करके काफ़ी खर्चा हो जाता है वो, तो वो हम एक अलग खर्चा मान के चल सकते हैं, क्योंकि शुरू में सेटअप में टाइम लगता ही है। तो मिनिमम खर्चा आपका 10 हजार के अराउंड रहेगा, जो कि मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है एंड आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा पाते हो एंड कितना खर्च पाते हो। बट अगर आप एक गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हो, एमटीएस की पोस्ट पे हो स्पेशली, तो आपकी 28 हजार के अराउंड सैलरी है, तो आप 15 हजार तो इजिली बचा सकते हो अगर आप चाहो तो। इस वीडियो को बस यही एंड करते हैं। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हो रिगार्डिंग माई सैलरी, माई सेविंग्स एंड माई एक्सपेंसिज इन मुंबई। स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें टेलीग्राम ग्रुप में बताएं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बाकी जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पे जाके देखें, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक ज्वाइन बटन भी होगा, अगर आप चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।